हेलो एवरीवन, वेलकम टू गोल्डीज टेस्टफुल किचन। आज हम ब्रेकफास्ट में सेवई बना रहे हैं वेजिटेबल्स डालकर। ये देखिए, मैंने 1.5 कप ये बैम्बिनो सेवई ले ली है। ये मार्केट की सेवई है, एक घर की बनी आती है, वर्मेसली बोलते हैं इनको, वो भी आप यूज कर सकते हैं। ये देखिए, ये है इसका पैकेट बैम्बिनो वर्मेसली। तो ये सेवई ली है हमने 1.5 कप, क्योंकि मैं थोड़ा ज्यादा बनाने वाली हूँ। और ये मैंने सारी सब्जियां ले ली हैं, बीन्स हैं, गाजर है, मटर है, आप आलू चाहें तो इसमें आलू भी ऐड कर सकते हैं, आज मैं नहीं डाल रही हूँ। तो ये करीब 1 कप के करीब सब्जियां हैं सारी चॉप करके। ये हमने बड़ा एक प्याज को बारीक काट लिया है, एक टोमेटो को बारीक काट लिया है, एक हरी मिर्च ली है। हरी मिर्च आप अपने हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। थोड़ा हम चाट मसाला यूज करने वाले हैं, गर्म मसाला लेंगे। चाट मसाला हम 1/4 टीस्पून से 1/2 टीस्पून यूज कर सकते हैं, गरम मसाला 1/4 टीस्पून, जीरा 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर 1/4 टीस्पून, सॉल्ट एज पर टेस्ट, रेड चिली पाउडर 1/4 टीस्पून और धनिया पाउडर हमने लिया है 1 टेबलस्पून। तो ये जो सेवई है ये बहुत टेस्टी लगने वाली है और हम 2 टेबलस्पून ले रहे हैं ऑयल। आइए स्टार्ट करते हैं टेस्टी टेस्टी सेवई। ऑयल गरम हो गया है, उसमें ये हरी मिर्च को हमने स्लिट करके डाल दिया है, जीरा डाल दिया है, जीरा तड़कना शुरू हो गया है। अब हम डाल रहे हैं इसमें ये पूरा जीरा, जितना भी हमारा था 1 टीस्पून जीरा। जीरा भुन गया है, अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं बारीक कटा प्याज और इसको हम भूनेंगे। बहुत झटपट बनने वाला ब्रेकफास्ट है और चेंज करके ब्रेकफास्ट लीजिए डेली तो बहुत अच्छा लगता है। प्याज जो है वो भून गया है, ये देखिए, स्लो गैस पर ही हमें भूनना है। गैस को बिल्कुल सिम कर लीजिए। सारे सूखे मसाले जो भी हमने था वो डाल रहे हैं, जो हमने लिए थे, हल्दी, धनिया, रेड चिली, सॉल्ट, इनको मिक्स करेंगे। थोड़ा चाट मसाला, थोड़ा गरम मसाला, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज्यादा कर सकते हैं, और नहीं लाइक करते तो स्किप भी कर सकते हैं कोई भी मसाला। ऐसा कुछ नहीं है कि ये बहुत जरूरी है, टेस्ट एनहेंसर है। ये देखिए, इसको मिक्स करेंगे अच्छे से और बहुत जल्दी हमें बिल्कुल गैस को सिम करके, क्योंकि मसाले जो है वो जलने लग जाते हैं। अगर आपका जलने लग जाए तो फटाफट पानी का छींटा दे दें, नहीं तो उसके ऊपर से ये सारी सब्जियां हम डाल देंगे जितनी भी हमने काट के रखी हैं। देखिए कितना सुंदर कलर है, और आजकल विंटर में ये सब अवेलेबल है तो आप जरूर अपने नाश्ते में वेजिटेबल्स को ऐड कीजिए। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फैमिली और फ्रेंड्स में, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मेरी लेटेस्ट अपडेट्स आ सकें, आपके पास पहुंच सकें। मैं एवरी ट्यूजडे और सैटरडे अपनी रेसिपीज डालती हूँ। मैं अभी तक रेगुलर हूँ तो आप जरूर ट्राई कीजिए। और सब्जियां पक जाए तब तक हम वेट करते हैं। थोड़ा सा हम डालेंगे इसमें पानी, और सब्जियों को अच्छे से पकाएंगे। देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है, मसाले भुन चुके हैं, उसकी खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। इस तरह से सेवई बनाएंगे तो बहुत ही बढ़िया लगेगी। अब हम डाल रहे हैं इसमें टमाटर, जो हमने 1 टमाटर काट के रखा है, उसको अच्छे से मिक्स करेंगे। और सब्जियां आप चेक करके देखेंगे, जब अच्छे से पक जाएं तभी आप इसको नीचे उतारें। ये देखिए, ऑलमोस्ट सब्जियां जो है वो हमारी पक गई हैं। हम इसको दूसरे बर्तन में खाली करते हैं क्योंकि हमको सेवई भी भूनना है। अब हम इस पैन में डाल रहे हैं घी, 1 टीस्पून ओनली। और घी के गर्म होने की इंतजार करते हैं। गैस को सिम कर दिया है, घी गर्म होने के बाद हम ऐड कर रहे हैं इसमें सेवई।
वर्मिसली, और इसको हम स्लो टू मीडियम फ्लेम पर रोस्ट करेंगे। लगातार चलाते रहेंगे ताकि ये जले ना, और इसको हम रोस्ट कर लेंगे। ऐसा करने से जो टेस्ट है वो बहुत अच्छा आता है। ये देखिए सेवई जो है वो भुन गई हैं, हल्का ब्राउन कलर इसमें आ गया है। अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं अपनी सेवई जो हमने भून के रखी हैं, और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखिए इसको ऐसे मिक्स करेंगे हम लोग। गैस को बिल्कुल धीमा रखेंगे क्योंकि ऑलरेडी हमारी सब्जियां और जो सेवई है वो पक चुकी हैं। अब हम डाल रहे हैं इसमें पानी। ये टोटल हमने इसमें 1.5 कप पानी डाला है, जितनी सेवई है उतना पानी डाला है। गैस को सिम कर देंगे और इसको ढक देंगे। ढककर हम इसको पकाएंगे। ये देखिए कितना अच्छा ये खिला खिला बना है, बहुत ही बढ़िया। ये देखिए, और ये आप ऐसे दबा के देखिए, बहुत अच्छे से गल गया है, गल रहा है। इसको ढककर रख दीजिए, रेडी है। अब हम इसकी करते हैं प्लेटिंग। तो ये देखिए हमारी यमी सी लगने वाली सेवई जो है वो बनकर तैयार है। ये देखिए, आप ये कर सकते हैं कि थोड़ी देर उसको गैस को ऑफ करके ढका रहने दीजिए, अपने आप सेवई वो जो पानी है एब्जॉर्ब कर लेती हैं। ये देखिए बहुत ही फर्स्ट क्लास, बहुत ही यमी। आई थिंक आप इसे ट्राई करेंगे। और ये आप सोचो मसाला पुलाव, वेजिटेबल मसाला पुलाव, बेम्बिनो पुलाव, कुछ भी आप कह सकते हैं, बट ब्रेकफास्ट के लिए एक बहुत हेल्दी ऑप्शन है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई रेसिपीज़।